मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ड्यूअलिटी, उसका पार्ट 5। इससे पहले के वीडियो में हमने ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था और उसमें रूल सेकंड का एक उदाहरण लिया था और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको भी करने के लिए दिया था, उसको आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का रूल फर्स्ट, उसका एक उदाहरण लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। रूल फर्स्ट, सबसे पहले रूल फर्स्ट होता क्या है फिर एक बार आपको बता दें। कॉरेस्पॉन्डिंग नेट इवैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टिंग प्राइमल वेरिएबल्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ड्यूल कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग प्राइमल वेरिएबल्स। तो ये रूल फर्स्ट पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलपीपी मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री सच दैट एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू थ्री टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू फोर एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका ए पार्ट है राइट द एसोसिएटेड ड्यूल प्रॉब्लम। बी पार्ट, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट द ऑप्टिमल बेसिक वेरिएबल्स आर एक्स वन एंड एक्स थ्री डिटरमिन द एसोसिएटेड ऑप्टिमल ड्यूल। तो हमें मैक्सिमाइजेशन में एलपीपी दे रखी है और इसके दो पार्ट हो गए ए और बी सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट, सिंस द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स द ड्यूल प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन जेड स्टार इक्वल टू थ्री डब्ल्यू वन प्लस फोर डब्ल्यू टू सच दैट डब्ल्यू वन प्लस टू डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव और डब्ल्यू वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आर अनरिस्ट्रिक्टेड। तो जब इक्वल के अंदर हमें समीकरण के रूप में प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी हो, तो सबसे पहले के वीडियो में हमने एलपीपी को ड्यूल में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेम वैसे ही हमने यहाँ क्या किया है, एलपीपी को ड्यूल प्रॉब्लम में चेंज किया है। अगेन दिस ड्यूल प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज मिनिमाइजेशन जेड स्टार इक्वल टू थ्री डब्ल्यू वन प्लस फोर डब्ल्यू टू सच दैट डब्ल्यू वन प्लस टू डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव और डब्ल्यू वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड डब्ल्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरह से सेकंड, बी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन द सेकंड कंस्टेंट ऑफ द गिवन प्राइमल एलपीपी हुज कॉस्ट इन कॉस्ट इन बेसिक फिजिबल्स
इज टेकन एज माइनस एम वेयर कैपिटल एम इज वेरी लार्ज नंबर देन। तो सेकंड पार्ट क्या है, इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन द सेकंड कंस्टेंट ऑफ द गिवन प्राइमल एलपीपी। तो हुज कॉस्ट इन बेसिक फिजिबल इज टेकन एज माइनस एम वेयर कैपिटल एम इज वेरी लार्ज नंबर देन। तो मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस कैपिटल एम एक्स फोर सच दैट एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू थ्री और टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स फोर इक्वल टू फोर एंड एक्स वन से एक्स फोर तक क्या होंगे सभी पॉजिटिव होंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, उसकी फर्स्ट रो वन टू वन जीरो, सेकेंड टू माइनस वन जीरो वन और स्मॉल बी हमारे पास क्या होगा थ्री और फोर, उसको एक्स भी लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर ई वन और ई टू जो वाई थ्री और वाई फोर है। तो इनिशियल बेसिस हो गए बी इक्वल टू आई एम इक्वल टू आई टू इक्वल टू ई वन ई टू वाई थ्री वाई फोर। तो सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही टेबल क्या होती है सी वी वाई वी एक्स वी, एक्स वी के ऊपर क्या लिखा जाता है सी जे, फिर एक्स वी के साथ वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। सी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमाइजेस जेड से एक पाँच तीन माइनस एम और जो सी वी होगा वाई थ्री और वाई फोर थ्री माइनस एम थ्री और फोर। इसी तरह से वाई टू वाई थ्री वाई फोर वो क्या होगी ए मैट्रिक्स ऐसी कैसे लिख देंगे वन टू वन जीरो टू माइनस वन जीरो वन। फिर कैसे सॉल्व किया जाता है जेड जे माइनस सी जे फाइंड करते हैं, जेड जे माइनस सी जे कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले सी बी को वाई वन से मल्टीप्लाई तो थ्री इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू टू और माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टू एम प्लस टू। इसी तरह से सेकंड थ्री इंटू टू प्लस माइनस एम इंटू माइनस वन माइनस फाइव, तो ये क्या होगा एम प्लस वन। फिर तीसरा थ्री इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू जीरो तो जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरह से नेक्स्ट थ्री इंटू जीरो जीरो हो गया माइनस एम और ऊपर माइनस माइनस प्लस एम वो भी क्या हो जाएगा जीरो। फिर क्या देखते हैं जेड जे माइनस सी जे उसमें जो मिनिमम है मोस्ट नेगेटिव, तो सिंस जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इज मोस्ट नेगेटिव तो y1 वन एंटर द बेसिस और लीव्स द बेसिस के लिए क्या किया जाता है मिनिमम i x भी i बटे में y i1 और y i1 का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रो के अंदर थ्री y1 तो क्या होगा थ्री फोर y2 इक्वल टू टू तो मिनिमम क्या हो गया टू तो y4 क्या हो जाएगा लीव्स द बेसिस और की एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 वो क्या होगा y21 इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल सबसे पहले तो जो की एलिमेंट वाली रो है उसको की एलिमेंट से भाग देकर नई रो आ जाएगी सी वी वाई वी एक्स वी उसके ऊपर सी जे वन फाइव थ्री माइनस एम वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर उसकी वैल्यू। तो वाई वन एंटर कर रहा है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है वन है और एक्स वी क्या है टू और की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया भाग दे दिया पूरे को तो क्या आएगा टू वाई टू वन माइनस वन वाई टू जीरो और वन वाई टू। और नेक्स्ट जो इससे ऊपर वाली रो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो
जो हमें दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 1 2 1 0, और की एलिमेंट के ऊपर जो 1 है उसको जो नई टेबल में हमने की एलिमेंट वाली लाइन लिखी है उससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो हमारे पास y3 के मान आ जाएंगे 0 5/2 1 -1/2, और इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है 3। तो फिर वापस वैसे ही करते हैं zj-cj, तो क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास मान आ जाएगा 3 × 0 0 हो गया, 1 × 1 1 - 1 क्या हो गया 0। इसी तरह से नेक्स्ट को 3 × 5/2 प्लस, तो वो क्या जाएगा 1 × -1/2, ये हो गया -1/2 और -5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। इसी तरह से नेक्स्ट 0 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा m-1। तो सिंस ऑल zj-cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी पॉजिटिव आ गए, दस एन ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन टू द गिवन एलपीपी इज, प्राइमल एलपीपी इज, x1 की वैल्यू तो 2 है और x2 है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, एंड x3 क्या हो जाएगा 1। तो विद मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x1 x2 और x3 की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन z में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 5। नाउ x3 एंड x4 आर द स्टार्टिंग वेरिएबल्स इन द प्राइमल एंड देयर रिस्पेक्टिव नेट इवेल्यूशन आर 0 एंड कैपिटल m-1 इन द ऑप्टिमम प्राइम टेबल। द ड्यूल कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद x3 एंड x4 आर w1 > 0 3 एंड w2 > -m। तो देयरफॉर वी राइट द इंफॉर्मेशन एज विलो, स्टार्टिंग प्राइमल वेरिएबल्स x3 x4 कॉरिस्पॉन्डिंग नेट इवेल्यूशन zj-cj 0 और m-1। तो लेफ्ट माइनस राइट साइड्स ऑफ द ड्यूल कंस्टेंट्स एसोसिएटेड विद प्राइमल स्टार्टिंग वेरिएबल्स, तो जो w1 > 3 है वो क्या हो जाएगा w1 - 3, और w2 > -m है वो क्या हो जाएगा w2 + m। मेकिंग यूज ऑफ रूल फर्स्ट वी गेट, तो w1 - 3 = 0 और w2 + m = m-1। तो w1 की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड w2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -m। दस द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, तो मिनिमाइजेशन जेड स्टार, तो हमारे पास मिनिमाइजेशन जेड स्टार क्या था 3w1 + 4w2, इसमें w1 और w2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 3 - 4 × -1, तो 9 - 4 = 5, मैक्सिमाइजेशन जेड। तो ये रूल फर्स्ट पर हमने एक उदाहरण लिया था, इसको सॉल्व किया। थैंक्स।